don't know if a lot of people have clarified ke kya hota hai aapko covid 19 jab aap covid 19 positive ho jate ho. So I just thought that few things maybe from my side I'd like to share with you all. This is my 6th day here in the hospital in Rishikesh at AIIMS. I must say ke physically itna बुरा नहीं लगता है जितना मेंटली यू नो खराब लगता है. ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. तो माय मदर इन लॉ वाज नॉट फीलिंग वेल, उन्हें फीवर हो गया था. एंड जब फीवर हुआ ऑब्वियसली हम सब वरिड थे. एंड नेक्स्ट डे देन आई स्टार्टेड फीलिंग अनवेल. मुझे बहुत बॉडी एक हो रहा था, फटीग हो रहा था. एंड आई मीन देन ऑब्वियसली एवरी वन गॉट वरिड. फिर हमने एक फर्स्ट टेस्ट करवाया एंड उस फर्स्ट टेस्ट में नेगेटिव आया. सो आई थिंक वी थॉट के इट इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ वेदर चेंज या ये वो. सो दैट इज द रीजन why we thought ke we were free of covid and we got relaxed. But we didn't get relaxed for a very long time because my mother-in-law's fever was still increasing. So because unka fever matlab paracetamol khane ke baad bhi increase ho raha tha, to hame laga ke maybe you never know you know that she's got it. To humne ek aur test karwaya aur wo second test jo karwaya usme fir hame pata chala that she is positive. Fir uske baad फिर सारी फैमिली का टेस्टिंग हुई एंड देन लॉट ऑफ पीपल केम पॉजिटिव. एंड ये हमें काफ़ी शॉकिंग लगा था. बट ऑफ कोर्स मेंटली इट वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस. बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द टेस्ट बिकॉज ऑब्वियसली मतलब ये हमारे घर में ही फैला. हमारी हमारे वजह से बाहर तो फैला नहीं. बट यू नो थैंकफुली के हमारे घर के और जो मेंबर्स हैं उनमें नहीं फैला और हमने ये चेन को ब्रेक कर दिया. सो दैट इज वन थिंग आईड रियली लाइक टू से. हाँ फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ. देन वी टेस्टेड पॉजिटिव देन दे टुक अस टू अ क्वारंटीन सेंटर. I'm sorry, I'm getting it wrong. जब हमारा टेस्ट हुआ तब हम ऑलरेडी क्वारंटीन सेंटर में चले गए थे बिकॉज माई मदर इन लॉ वॉज ऑलरेडी टेस्टेड पॉजिटिव. एंड फिर हम वी वर वेटिंग फॉर आर रिपोर्ट्स. देन आर रिपोर्ट्स केम इन. व्हेन रिपोर्ट्स केम इन वी वर पॉजिटिव. देन वी वर शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल. एवरी वन ऑफ अस वॉज शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल. नाउ व्हाई आई रियली वॉन्ट टू टेल एवरीबडी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको फीवर हो रहा है या आप जेन्युइनली बहुत सिक फील कर रहे हो या थोड़ा सा भी सिक फील कर रहे हो तो इट इज बेस्ट टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम एंड वरीइंग अबाउट इट. तो बेसिकली हमने वो चीज करी कि हमने टेस्ट करा लिया बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द चेन दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. अच्छा दूसरी ये बात है कि आपको कोविड हो जाता है तो Trust me, it is not that lethal. क्योंकि definitely I had symptoms, my mother-in-law had symptoms, but you know, it doesn't mean कि it's going to destroy your life. And at the same time, on the flip side, you have to break the chain because it affects old people a lot. It affects people who have कोई बीमारी पहले से, कोई सीरियस बीमारी पहले से अगर है तो इट रियली रियली अफेक्ट्स यू. हम हॉस्पिटल में हैं एंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम क्योंकि उनका पॉजिटिव से नेगेटिव हो ही नहीं रहा है. वैसे फिलहाल हमारा भी सिक्स डे हो गया है, हमारा भी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो रहा है. एंड वी आर जस्ट वेटिंग दैट that you know mentally it gets to you. Okay, I think somebody is asking me something. I was not going to take questions kyunki mujhe bahut bolna hai. I must say ke today I am feeling good. I think
रोज कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लाइक इट वॉज प्लेइंग ऑन माई हेड, बट मेरी सर्दी और खांसी भी थोड़ी कम हो गई है. कल आई थिंक कल जब मैं सोई तो आई मेड अप इन माई हेड दैट यू नो एटलीस्ट मैं मेंटली अपने आप को खुश रखूंगी, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ मेंटली वेरी वेरी पॉजिटिव टू मेक द वायरस गो नेगेटिव. वेरी चीजी बट या अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज एज सच कोई ट्रीटमेंट आई वुड से नहीं हो रहा है, बट येस यू हैव टू देर इज नो ट्रीटमेंट फॉर इट, बट येस ऑल यू कैन डू इज यू कैन मेक योर बॉडी इज वेरी 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 स्ट्रांग. एनी वेज आई फील के इंडियंस यू नो वैसे भी हमारी डाइट बहुत अच्छी है, एक वेजिटेरियन डाइट है, एक डाइट इंडियंस की है जिसमें बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, तो बॉडी में देयर इज गर्मी. सो प्लस वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ, जब से लोगों ने सुना है इसके बारे में सब लोग बहुत सारा काढ़ा पी रहे हैं, एंड यू नो सो दीज थिंग्स लाइक गिलोई हल्दी एंड ऑल दीज थिंग्स दे रियली रियली वर्क टू make your body stronger to fight against all these viruses and bacteria and all of that. So I genuinely feel Indians were pretty anyways ready to fight viruses, and I'm very proud of hamari Indians ki immunity, like and the kind of food we eat and everything, because we have a lot of vegetables which is also very important. अनदर थिंग आई लाइक टू से कि प्लीज़ नेगेटिव न्यूज़ से मत डरिए. प्लस लोगों के यू नो इनसेंसिटिविटी से मत डरिए कि ऑफकोर्स बिकॉज वी आर नोन एंड ऑल दैट यू नो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी निकल आती है, बट प्लीज़ डोंट फॉल प्रे फॉर दैट प्रे टू दैट and go out there and get yourself tested if required. So another thing I would like to say is ke humne is cheez ke bare mein zyada baat nahi kari, but well my my family has a sanstha called Manav Dharm. It's called so it is something where everyone gets together and does a lot of good work for the society. And is cheez ke bare mein maine pehle baat nahi ki hai, but I think it is very important for people to know that there is a lot of work being done by the sanstha, and a lot of work has been done by the sanstha, and which is being led by my father-in-law, and we are going to be uploading a video and like right now, just now after this live, and I'd like everyone to see that video. Please jaake acche kaam karne se mat dariye. Hum इसे प्रमोट नहीं कर रहे थे, बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो काम किया जा रहा है वो हम अगर दिखाए लोगों को तो लोगों को समझ आए कि इवन दो देर वर सो मेनी डेंजर्स एंड ऑल ऑफ दैट, पीपल फ्रॉम आर संस्था एंड माय फादर इन लॉ वर टेकिंग नंबर ऑफ प्रिकॉशंस एंड गोइंग आउट देयर एंड डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, फॉर पीपल स्टक, फॉर पीपल हंग्री, एंड आई थिंक के हमें वो काम दिखाना चाहिए. एंड आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज गो आउट देयर एंड सी द वीडियो दैट आई एम गोना बी पोस्टिंग राइट नाउ, बिकॉज नेगेटिव न्यूज शुड नॉट दबाउ द पॉजिटिव वर्क दैट हैज बीन डन. एंड अनदर थिंग आई लाइक टू से के थैंक यू, बहुत सारे बहुत 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 सारे मैसेजेस एंड कॉल्स एंड सो मेनी फ्रेंड्स हैव रीच्ड आउट, एंड यू नो आई फील रियली ब्लेस्ड एंड थैंक यू एवरीबडी. But there's a lot of people hungry out there, there's a lot of people suffering out there, and not directly due to coronavirus but due to other factors. So please, I hope this video motivates you all also to you know take n number of precautions,
but still go out there and help people out, because it is the need of the hour and it is required. And we have to lead by example. We have to show. देखो एक चीज मैं ना बहुत सुन रही हूँ इस वक्त is कि ये इस दौरान ना humanity is something which is lost. And I don't want it to be lost. So, and not only me, of course, all of you sitting over there don't want it to be lost. So please watch this video. I hope it inspires you to go out there and do good work. But at the same time, take all the precautions that you're supposed to take, because हमें ये elders और उन लोगों में नहीं फैलाना है जिनको already बहुत सारी बीमारियां हैं. Yes, I tested positive of COVID-19 and I am fine. My family is fine. We have fought it. We are still fighting it. We are still positive. And with your prayers, I think ye bahut jald positive se negative ho jayega. I'm really, really hoping it happens fast, especially for my family. थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग इन. एंड आई नो कि आपके बहुत सारे सवाल है, बट आई वुड वॉन्ट टू गेट गौरव ऑन द लाइन, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू अ लाइव विथ हिम बिफोर आई गॉट टेस्टेड पॉजिटिव, एंड आई वॉन्ट हिम टू कम लाइव एंड आस टू यू नो वो थोड़ी सी मुझसे बातें करेगा तो मुझे थोड़ी खुशी होगी कि गौरव विल होपफुली डू सम यू नो क्रैक सम बैड जोक्स एंड दैट विल मेक मी क्वाइट हैप्पी. थैंक्स हर्ष, थैंक्स सो मच. आई एम फाइंडिंग गौरव. गौरव इफ यू आर अराउंड प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट. हाय हेलो प्रणाम अंजना बुआ. हेलो एवरीवन. I want Gaurav, send me a request. Gaurav, Gauri. Thank you to everyone who's been sending so many messages here. Thank you so very much. So very much. Aapne itne sweet, sweet, cute, cute, achche achche edits banaye hue hain. And I feel very lucky, you know, to have you all pray for me, and the positive vibes are something which I